बात हरिद्वार की करते हैं, जहां के ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के चर्चित मुन्ना भाई एडमिशन मामले में नया मोड़ आया। इस मामले में पकड़े गए बीएमएस के 31 में से दो छात्रों को कॉलेज ने एडमिशन दे दिया है। साल 2013-14 के इस केस में 31 छात्रों को फर्जीवाड़ा करके बीएमएस में दाखिल लेने का दोषी पाया गया था और इनका एडमिशन रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब विश्वविद्यालय की सिफारिश पर दो छात्रों को एडमिशन मिल गया है। पुलकित आर्य और दीदार सिंह को दोबारा प्रवेश दे दिया गया है। पुलकित आर्य बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है और दीदार सिंह विद्यार्थी परिषद से जुड़ा है और ऐसा माना जा रहा है कि दबाव में एडमिशन कराया गया है। हालांकि ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज का कहना है कि जो प्रक्रिया हुई वो यूनिवर्सिटी स्तर पर हुई। ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के एडमिशन में बड़ा फर्जीवाड़ा, दोषी छात्रों को कॉलेज में मिला दाखिला। जी हाँ, हरिद्वार के ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज ने पकड़े गए बीएएमएस के 31 में से दो छात्रों को एडमिशन दे दिया। साल 2013-14 के इस केस में 31 छात्रों को फर्जीवाड़ा करके बीएएमएस में दाखिला लेने का दोषी पाया गया था और इनका एडमिशन रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब विश्वविद्यालय की सिफारिश पर दो छात्रों को एडमिशन मिल गया है। विश्वविद्यालय के पुलकित आर्य और दीदार सिंह को दोबारा प्रवेश दे दिया गया है। पुलकित आर्य बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा बताया जा रहा है, जबकि दीदार सिंह विद्यार्थी परिषद से जुड़ा है। ऐसा माना जा रहा है दबाव में एडमिशन कराया गया है। हालांकि ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज का कहना है कि जो प्रक्रिया हुई है वो यूनिवर्सिटी स्तर पर हुई है। उसमें जो भी हुआ, जो भी कार्रवाई हुई, यूनिवर्सिटी ही लेवल पे हुई है। उसमें फर्जी पाया गया तो जो भी यूनिवर्सिटी ने कहा अपने स्तर से यूनिवर्सिटी ने उस पर कार्रवाई की। इसमें कॉलेज स्तर पर इस तरह का कोई वो नहीं, जो भी हुआ अपर स्तर पे हुआ है। अब दो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इस तरह की कोई हम जानकारी नहीं है। जो भी हुआ है वही यूनिवर्सिटी स्तर से ही उनकी जांच हुई है, जो भी सही पाया गया, गलत पाया गया, उसी स्तर से उनको एडमिशन दिया गया या नहीं दिया गया, ये वहीं से जो भी आदेश आए हैं उन्हीं का पालन किया गया है। यहाँ कॉलेज स्तर से इस तरह का कोई वो नहीं हुआ है। उधर इस मामले में विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव और मौजूदा अपर स्थानीय आयुक्त उत्तराखंड सरकार मृत्युंजय मिश्रा ने आयुष विभाग के सचिव हरबंश चुग को पत्र लिखकर कुलपति पर भी आरोप लगाए। मिश्रा ने पत्र में कहा कि दो छात्रों का निलंबन बिना किसी जांच के समाप्त कर दिया गया। उन्होंने रिकॉर्ड में हेराफेरी किए जाने के आरोप भी लगाए। इधर उत्तराखंड के आयुष विभाग के मंत्री हरक सिंह रावत ने मामले को गंभीर बताया। हरक सिंह रावत का कहना है कि पूर्व कुल सचिव का पत्र लिखना गंभीर मामला है और आरोपों की जाँच कराने की बात कही। देखिए, अभी मेरी संज्ञान में नहीं आई है, लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं उसको हम पूरा परीक्षण कराएंगे और मैं सोचता हूँ कि अगर उसमें कोई गड़बड़ी होगी तो तब सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। निश्चित रूप से नहीं, देखिए क्योंकि अब उनको हटाया गया तो इसलिए अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उसको हम पूरा परीक्षण कराएंगे कि जो पूर्व कुल सचिव ने जो पत्र लिखा है अगर उसमें कोई चीजें सही होंगी, तथ्य सही होंगे तो निश्चित सरकार उसको गंभीरता से उस पर कार्रवाई करेगी। दोषी छात्रों को विश्वविद्यालय में दोबारा एडमिशन मिलना अब कई सवाल खड़े कर रहा है, जो कि जांच का विषय है। हालांकि मामला बीजेपी के नेता के बेटे से जुड़ा है, लिहाजा इसकी जांच किस स्तर पर होगी देखना दिलचस्प होगा।